आदेश। जय माता रानी की। मैं तांत्रिक मिशिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ के नवनिर्मित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों, साधकों, शिष्यों का स्वागत करती हूं। हमारा यह यूट्यूब चैनल अभी बिल्कुल नवीन है और हमारा इसे बनाने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य आप सभी भैरव भैरवियों के समक्ष तीव्रता से लुप्त हो रहे वास्तविक शिव शक्ति प्रदत्त गुरुमुखी आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर आना है, जिससे कि आप सभी अपने जीवन में आदिशंकर भोले और मां जगदम्बा जैसी ही पूर्णता प्राप्त कर सकें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवहारिक उन्नति और अन्य जरूरतमंदों का भी भला करें। हमारी प्राचीन सनातन धर्मी दुर्लभ गोपनीय साधनाओं का लोप न हो जाए, इस कारण आज से ही आप सभी भैरव भैरवियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ द्वारा विभिन्न प्रकार की इति योनियों की साधना सिद्धि से संबंधित आवश्यक गुण, तथ्य और रहस्यमय जानकारियाँ यहाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। आदेश। मेरे सभी गुरु भाई बहनों, साधक साधिका मित्रों को जय माँ बगलामुखी, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज आप सभी को हमारी इस वीडियो के माध्यम से तंत्र जगत की गुप्त शक्तियों में से एक दैवीय शक्ति, तंत्र नाशक और मनोकामना दायक माँ कलिकारिणी देवी का परिचय दे रहे हैं। हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी सभी प्रकार की रहस्यमयी वीडियोस आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। रहस्यों की दुनिया की उम्दा शुरुआत तब हुई जब पूजनीय गुरुदेव ने पहली बार स्वयं के अंदर समाहित देवी की साधना की। ये वह देवी है जिन्हें आप सभी रहस्यमय देवी के नाम से जानते हैं। नाथत्व के कारण पूजनीय गुरुदेव श्री के अंदर समाहित शक्ति ने जो रूप धारण किया वह नागों से संबंधित नाग लोक की देवी का रूप था। इससे पूजनीय गुरुदेव श्री को यह मदद मिली कि उन्होंने बहुत सी नाग विद्याओं को समझा और उन्हें ज्ञान मिला। जब एक ही दिन में गुरुदेव द्वारा जाने कितने ही रहस्यों का अनावरण होता और नित्य 5 से 6 साधनाएं नित्य गोविंद देवी से प्राप्त करते। ऐसे बहुत सी शक्तियों का ज्ञान गुरुदेव श्री को मिला और साथ ही मानव दुनिया के माध्यम से नाग लोक के दर्शन भी उन्होंने किए। फिर गुरुदेव की भेंट हुई एक अद्भुत देवी से जिनका नाम था कलिकारिणी देवी, जिनका उल्लेख तो कहीं नहीं परंतु देखने से माँ गायत्री की भांति प्रतीत होती थी, मगर उनके वस्त्र श्याम वर्ण, हंस पर कमल के ऊपर आसीन और हाथों में आग से जलता खप्पर था और अन्य अस्त्र भी थे। ज्ञान हुआ कि यह देवी किसी भी मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करती है और उसकी रक्षा करती है जो उनकी उपासना करता है। गुरुदेव श्री के जीवन में रहस्यों का प्रकट होना तो 13 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गया था, मगर प्रथम आधार प्राप्त हुआ नाग देवी से और उनके अंदर की अद्भुत क्षमताओं का विकास होता गया। पात्रता और पिछले जन्मों की शक्ति के कारण साधक को समाधि में कई गुप्त रहस्यों का पता चलता है।
ऐसे ही गुरुदेव ने जब शुरुआती समय में साधना समाधि लगाई तो कई घंटों तो उस अवस्था में दिव्य प्रकाश नजर आने लगा और उनकी भी अद्भुत गुप्त देवियों से तो उन्होंने एक देवी को देखा जो काले वस्त्रों में हंस पर बैठी थी जल में और उनके हाथ में खप्पर था। वो बहुत कौतूहल से सब देख रहे थे जैसे वो उनके सामने ही स्पष्ट खड़ी हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और गुरु जी को याद किया। जिज्ञासा के भंवर में वो फंस गए और सोचते रहे कि ये है कौन सी देवी है। ऐसी तो कोई देवी नहीं जिसका यह स्वरूप हो। गुरुदेव के अंदर मन में चल रहे विचारों को देवी सुन रही थी। शायद तभी वो मुस्कुराई और एक मधुर आवाज आए, पुत्र मैं हूँ कलिका रानी। तो गुरुदेव ने पुनः प्रश्न किया कि आपके विषय में कहीं नहीं सुना हमने। उनकी मधुर आवाज पुनः आई, पुत्र मैं गुप्त शक्तियों में से हूँ। मेरे पास साधु को ही मेरा ज्ञान होता है। मैं मनोकामना पूर्ति और साधु की रक्षा करती हूँ। ये गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा ही थी गुरुदेव पर। बचपन से की शक्तियाँ स्वयं अपने मुख से उन्हें मंत्र देती हैं और उन्होंने मंत्र दिया अपना मनोकामना पूर्ति का। एक दिन उन्होंने किसी को यह साधना करवाई जिनका लड़का नालायक था। उन्होंने अपने लड़के के लिए की और उसकी नौकरी लग गई और बुरी संगत भी छूट गई। सब परमात्मा ही करता है, हम तो बस माध्यम हैं। आदेश जय माता रानी की, जय गुरुदेव।